हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे थर्ड। इसके अंदर आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम 2014 से लेके 2020 तक के सारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे एग्जाम को जो है पास करने में। ठीक है, तो अगर इससे पहले आपने डे वन और डे टू की क्लास नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि भाई वो जो दो क्लासेस हैं उन दो क्लासेस से जो है आप ये वाली क्लास को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास जो मैंने आपको डे टू करवाई थी, जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करे थे भाई, उसमें बच्चों को जो है कई क्वेश्चंस में डाउट है, तो डाउट वाला पोर्शन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, है ना। पहले हम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को 55 क्वेश्चन में और आई थिंक 64 में और 65 में कुछ ऐसे, मतलब मैं देखूंगी कहाँ कहाँ डाउट है, मतलब लेकिन दो चार क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे। पर बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे, ताकि अब वीडियो के एंड में आप लोग अपने सारे डाउट्स देख सको। ठीक है, तो रीना को डाउट है 54, 55, 64, 68 में, चार क्वेश्चन में डाउट है। और मोनिका को नहीं, मोनिका ने आंसर दिया है क्वेश्चन का। शीतल ने बोला है 55 क्वेश्चन रिपीट कर दो। शालू ने बोला है 55, 57 क्वेश्चन। कोमल ने बोला है 54, 55, 56, 64, 68 क्वेश्चन। मायरा ने जो है नहीं, और दीपिका ने बोला है 55 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद शालू ने बोला है 64 क्वेश्चन। प्ले इट, इसका नाम नहीं पता अभी क्या है, इसमें 55 क्वेश्चन। रितु ने 55 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर बच्चों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो 55 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चार पाँच क्वेश्चन में डाउट है, वो जो है एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लें, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे से। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओगे आपको ऐप एनएस क्लासेस के नाम से ऐप मिल जाएगी, या फिर वीडियो के लिंक में एनएस क्लासेस ऐप का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर जो है आपको लाइक एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, फ्री में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट का रिवीजन क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं 499 में, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, एनवीएस का पूरा कोर्स मिल जाएगा, यूजीसी नेट का पूरा कोर्स मिल जाएगा, केवीएस का मिल जाएगा, एसएससी पीजीटी का मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते। ठीक है, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट हुए क्लास को स्टार्ट करते, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है और इस टाइम को आप जितना यूटिलाइज करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं 2014 से। तो 2014 के पेपर थर्ड में, पहले जो था पेपर जो थर्ड होता था, तीन पेपर होते थे, पेपर थर्ड का जो लेवल था वो काफी अच्छा खासा पूछा जाता था। लेवल टू जो पेपर टू था उसका लेवल नॉर्मल रहता था, है ना। अब तो आपका एक ही पेपर हो गया है, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी पुश एंड पॉप ऑपरेशन विल बी नीडेड टू इवोल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय रिवर्स पॉलिस नोटेशन इन स्टैक मशीन दिस। ठीक है, आपको जो है इसका बताना है कि इसमें कितने जो है पुश मतलब इंसर्शन वाले ऑपरेशन होंगे, कितने पॉप ऑपरेशन होंगे। तो भाई ये आपको नोटिफिकेशन दे रखी है, ये आपको एक नोटेशन दे रखी है। देखो क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले हम इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो जो आपकी ब्रैकेट्स है उनको ए बी स्टार, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहां से देखो सी डी स्टार, फिर डिवाइड ई, फिर इसी को करेंगे, क्योंकि पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये होगा, फिर थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पे ये वाला। ठीक है, ए बी स्टार प्लस सी डी स्टार ई डिवाइड और ये प्लस, ठीक है, नेक्स्ट में हमारा प्लस हो जाएगा सॉल्व। तो ए बी स्टार सी डी स्टार ई डिवाइड प्लस, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पे जो है सॉल्व होगा। ठीक है, अब जो है जब आप स्टैक करोगे तो इस तरीके से आपने ए डाला बी डाला, फिर जो स्टार है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपने इंसर्ट किया ये दो और ये आपका क्या हो गया, पॉप हो गया। ठीक है, तो एक पॉप ऑपरेशन हुआ, दो जो है पुश ऑपरेशन हुए, फिर आपने सेकंड में आपने क्या डाला, सी ओ डी डाला, सी ओ डी डाला। ठीक है, तो चार आपके पुश ऑपरेशन हो गए
और फिर जो ये स्टार आएगा ये वाला, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो दो पॉप ऑपरेशन हो गए। फिर आपने ई डाला, ये इंसर्ट किया, फिर डिवाइड आया, फिर पॉप हो गया, ठीक है, फिर लास्ट में प्लस आया, तो जो पूरा का पूरा था वो पॉप हो गया। तो टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चार आपके पॉप ऑपरेशन हो जाएंगे और पांच जो है वो आपके इंसर्ट ऑपरेशन हो जाएंगे। देखो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन और चार, मतलब जैसे ही आपका जो है ऑपरेंट आएगा, सॉरी ऑपरेटर आएगा, आपका पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल जो है आपका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये, सॉरी बी ऑप्शन, सेकेंड, पांच आपको पुश ऑपरेशन करने हैं और चार आपको पॉप ऑपरेशन करने हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है। क्या दे रखा है? इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दे रखा है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, पर फिर भी कर लेते हैं। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, इन ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, लेफ्ट और राइट सीक्वेंस देखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इन ऑर्डर जो है हमें बताता है कि लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है और राइट वाला पार्ट कौन सा है। अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में हमेशा रूट देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्री में रूट आपकी आगे मिलेगी और पोस्ट में आपकी रूट बाद में मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये दो छोटी सी बेसिक चीज याद रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। डी बी ई ए एफ सी जी। और अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं तो प्री ऑर्डर में आपका दे रखा है ए बी डी ई सी एफ और जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रूट हम कहाँ से देखेंगे, रूट देखेंगे इससे। तो रूट यहाँ पे ए है, क्योंकि सबसे आगे क्या है, प्री मतलब पहले, तो ए आपकी रूट हो गई। कहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ पे बनाऊंगी, ए आपकी रूट हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट में आएगा डी बी ई और राइट में आएगा एफ सी जी। अब मुझे इन तीनों में कंफ्यूज हो गई कि लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, राइट वाला कौन सा है, रूट क्या बनेगी। तो रूट देखने के लिए यहाँ जाएंगे, तो बी आपकी रूट है, बी रूट है, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में डी है और राइट में ई है, तो लेफ्ट में डी है और राइट में ई है, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट। अब इधर देखो, इधर रूट क्या है आपकी, इधर रूट है आपकी सी, तो यानी कि सी, सी के लेफ्ट में एफ राइट में जी, तो ये सी आ गया, लेफ्ट में एफ और राइट में जी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, पोस्ट ऑर्डर बनाना है, ठीक है। तो इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल दो, पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट पार्ट आएगा, फिर राइट आएगा और फिर आपका क्या आएगा, रूट नोड आएगी, यही कहता है। तो पहले लेफ्ट क्या है आपका, लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेफ्ट में आ गए, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में आ गए, ठीक है। तो रूट तो सबसे लास्ट में आएगी। देखो अब देखो, यहाँ पे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, आपको पता है कि रूट नोड क्या है, ए है, तो जो जिसके ए लास्ट में, देखो इसके ए लास्ट में तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, इसके ए लास्ट में ये वाला हो सकता है, इसके लास्ट में क्या है, सी, तो ये तो होगा नहीं, इसके लास्ट में, लास्ट में क्या है, जी, तो ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, अब आपको सिर्फ दो में से देखना है। अब देखो लेफ्ट वाले पार्ट में आ गए, लेफ्ट में पहले लेफ्ट राइट एंड रूट, यानी कि डी ई बी, ठीक है। फिर राइट वाले पार्ट में चले जाओ, राइट वाले में, तो राइट में पहले एफ जी और सी, क्योंकि रूट नोड क्या है यहाँ पे, सी, एफ जी सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। जो भी ऑप्शन दो में से मैच हो रहा है वही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है डी बी ई, तो डी बी ई तो होगा नहीं, डी बी ई तब होता है जब आपका इन ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर पहले क्या कहता है, लेफ्ट लिखेगा, फिर रूट लिखेगा, फिर राइट लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज गलत दे दी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, कई बार क्या होता है हमें कंफ्यूजन हो जाती है आसान से क्वेश्चन में भी। तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है ना, तो जो है आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड जो है सॉल्व कर सकते हो छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ रूटेड ट्री कैन बी डन बाई स्टार्टिंग फ्रॉम रूट एंड परफॉर्मिंग। जो लेवल ऑर्डर ट्री होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके गेट में भी ऑलरेडी आए हुए हैं, आपके जो है यूजीसी नेट में भी आए हुए हैं, प्लस आपके जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होंगे वहां पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये जो चीजें हैं ये आपको हर एग्जाम में मदद करेंगे अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आगे देखो आपसे बोला है 47 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इज यूज टू ट्रैवर्स अ रूटेड ट्री, मतलब ट्रैवर्स करता है एक रूटेड ट्री। बी ऑप्शन बोल रहा है कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर आर यूज टू लिस्ट द वर्टिसेस ऑफ एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री, ठीक है।
ऑप्शन बोल रहा है कि हफमैन एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड एन ऑप्टिमल बाइनरी ट्री. जो हफमैन एल्गोरिथम है वो आप इसलिए यूज करते हैं कि आप ऑप्टिमल बाइनरी ट्री विद गिवन वेट्स जो है वो जो है फाइंड कर सको. डी ऑप्शन में बोल रहा है कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग प्रोवाइड अ लेबलिंग सच दैट द पेरेंट हैव लार्जर लेबल देन देयर चिल्ड्रन. ठीक है, और फिर लास्ट में पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. ठीक है, तो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज टू ट्रैवर्स रूट ट्री, तो ये वाला भी आपका ट्रू है. प्री ऑर्डर ये जो है ये भी आपका एक ऑर्डर रूट ट्री, ये भी ट्रू है, आपने देखा है हफमैन एल्गोरिथम ऑप्टिमल बाइनरी ट्री. ठीक है, और ये वाला भी आपका ट्रू है. तो सारे ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे देख लो जिसमें सारे ऑप्शन हो यानी कि ए बी सी डी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन. ठीक है, क्लियर है भाई. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोला है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है. आपको एक ट्री दे दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है. बता दोगे? देखो इन ऑर्डर में, देखो इन ऑर्डर में आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें जो है इससे जो है 15 से आगे आएंगी और ये 4 चीजें 15 के बाद आएंगी. देखो 2 4, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है. आप, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको सिखा रही हूँ. ठीक है, अब देखो 15 के बाद 4 चीजें, 15 के बाद यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, 20 17 18 18, हमें 15 के बाद क्या चाहिए, 20 17 18 18 चाहिए. ठीक है, तो मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 17 15 के बाद 20 17 18 18 नहीं आ रहा, मतलब टोटल 4 भी नहीं आ रहे, 6 आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो 15 ही आकर आपका आगे आ गया, तो प्री ऑर्डर हो गया ना कि इन ऑर्डर. अब यहाँ पे देखो 15 के बाद आपका ये 4, 20 17 18 18, तो यानी कि ये हो सकता है, मतलब ये हो सकता है. तो दो, हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन आपके बच गए. अब रूटेड जो आपका इन ऑर्डर होता है वो आपका क्या कहता है, इन ऑर्डर आपका कहता है कि भैया मुझे तो क्या करना है, मुझे तो पहले लेफ्ट लिखूंगा, फिर रूट नोड लिखूंगा, फिर राइट वाला पार्ट लिखूंगा. तो अब लेफ्ट में आए ये अगेन रूट बन गई, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे अगेन ये रूट बन गया, तो इसके लेफ्ट में आएंगे, तो लेफ्ट रूट एंड राइट ये रूल फॉलो होगा. तो 2 3 4 2 3 4, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया है. ठीक है, फिर ये लेफ्ट, अब एक तरीके से ये लेफ्ट पार्ट था, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम इसकी रूट लिखेंगे यानी कि 13. ठीक है, फिर यहाँ पे आए 13 में, अगेन ये क्या है, रूट है, इसका लेफ्ट वाला पार्ट है नहीं, लेफ्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर राइट पार्ट लिखेंगे यानी कि 6, फिर हम लिखेंगे 15. ठीक है, फिर 15 के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, ये रूट बन गया, ये लेफ्ट बन गया, ये राइट वाला पार्ट बन गया, तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट, पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट वाला. ठीक है, तो 17, फिर क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे 20, और फिर क्या लिखेंगे, 18 एंड 18. ठीक है, अब इससे मिला दो भाई, ये ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या, 2 3 4 6, 2 3 4 2 3 4, ठीक है, लिख दिया मैंने, हाँ 13 13 तो आया ही नहीं. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला तो गलत हो गया ना हमारा, 2 3 4 6 के बाद क्या आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत आ गया. ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा. देख लो 2 3 4 2 4 3 के बाद आपका क्या आया, 13, क्या आया भाई, 13 आया, फिर 7 6, फिर 15, फिर 17 20 एंड 18 एंड 18, तो यही आया था हमारा, यही आया था, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डिस्क यूजिंग सेस इन बी सर्च ट्री, मतलब आपको जो है कितनी जो है आप यूज करोगे बी सर्च, वेयर एच आपकी हाइट क्या है, एच दे रखी है, एन जो है वो नंबर ऑफ की दे रखी है, और टी जो है वो आपका मिनिमम डिग्री दे रखी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका अब बी बी बाइनरी सर्च आपकी हाइट क्या होती है, लॉग ऑफ एन होती है. ठीक है, और जो आपका यहाँ पे बी ट्री, आपको पता है कि आपका जो नॉर्मल जो आपकी हम लेते हैं जो हमें टाइम लगता है क्या लगता है, लॉग ऑफ एन लगता है. ठीक है, अब हाइट की बात करें तो यहाँ पे टी जो है वो इनकी क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी और लॉग एन. ठीक है, तो ए एच आपका हाइट हो गया,
एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ की हो गई और टी जो है वो आपका यहाँ पे डिग्री हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखो, हैश फंक्शन यूज्ड इन डबल हैशिंग। डबल हैशिंग आपको बतानी है, तो डबल हैशिंग में हम क्या करते हैं, डबल हैशिंग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन हो जाएगा एच के ऑफ आई एच वन के प्लस आई एच टू के मॉड एम। तो ये आपका हैशिंग, डबल हैशिंग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। 15 तक आ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका थ्री डायमेंशन है, डिक्लेयर्ड एज अ इंट एक्स वाई जेड द एड्रेस ऑफ एन आइटम लोकेशन पी क्यू आर कैन कंप्यूटर द डब्ल्यू इज द वर्ड लेंथ ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो आपको बताना है, हाँ जी देखो आपके पास यहाँ पे थ्री डायमेंशन है, तो हम यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स वाई जेड, इंटीजर एक्स वाई जेड है और आपको जो यहाँ पे दे रखा है जीरो से इंडेक्स जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है और पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर हम पी एच रो की बात करें पी के लिए, है ना, तो आपका जो पी यहाँ पे ये रो है, पी रो है, तो इसमें कितना क्या होगा, जीरो से लेके पी माइनस वन तक होंगे, ठीक है। और हर एक रो में जो क्यू आर जो है आपके एलिमेंट हैं वो बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो आपके कितने हो गए, पी इंटू क्यू इंटू, सॉरी नहीं, तो हमारे पास क्या था एक्स वाई और जेड, ठीक है, हमारे पास ये था। तो क्यू रो के लिए हमारे पास जो है कितना होगा, हर एक के लिए वाई इंटू जेड तो होगा, वाई इंटू जेड तो होगा इंटू पी, समझ में आया। पी हम जब हम पी एलिमेंट पे बात करेंगे पी की, तो पी में हमारा जो वाई और जेड एलिमेंट तो होंगे और साथ में हमारा जो है पी भी होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम Q पे पहुंचेंगे, जैसे ही हम Q पे पहुंचे, P वाला हमने कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हमारे पास क्या होगा Z into Q, क्योंकि Q की बात कर रहे हैं। और R की अगर बात करें तो हम ये वाली चीज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टोटल इसमें क्या हो जाएंगे, P into Y into Z प्लस में Z into Q प्लस में R, ठीक है। और M जो है यहाँ पे W इज द वर्ड लेंथ ऑफ एन, W वर्ड लेंथ है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि जो आपका ये वाला ऑप्शन है, जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ है आपका, क्योंकि जीरो से इंडेक्स स्टार्ट है, तो जीरो 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 और यहाँ पे W Y इंटू जेड इंटू पी, ये आपका P के लिए आ गया, ये आपका जो है Q के लिए हो गया, ये आपका R के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हैश फंक्शन देखो, हम लास्ट टाइम हैशिंग काफी अच्छे से हमने किया था, कंसीडर हैश टेबल क्लास 2 के अंदर। साइज m आपका 100 दे रखा है और हैश फंक्शन h ऑफ k फ्लोर m k a मोड 1 फॉर a फ्रैक्शन स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, देन कंप्यूट द लोकेशन इन व्हिच k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन प्लेस इन हैश टेबल, कहां पे जो है वो आपकी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो भाई सारी वैल्यू, आपको जो जो वैल्यू दे रखी है, देखो फ्लोर 100, ठीक है, एम की वैल्यू क्या दे रखी है 100, ठीक है। अब एक जो आपका के है, के की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपका जो ए है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये तो क्या हो जाएगा इनटू 0.618033 और उसके बाद ये हो गया हमारा फिर मोड 1। बस आपको अब ये क्या करना है, सॉल्व करना है 100 इंटू में, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0.88 समथिंग यहाँ पे आएगा, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 88, ठीक है। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मोड 1 से तो कुछ मतलब लास्ट में तो 1 ही है आपका, तो यहाँ पे 0.88 समथिंग आएगा, तो आपका जो है यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन देख के आप घबरा जाओगे कि भाई क्या है ये चीजें, कुछ भी नहीं है। देखो आपको m की वैल्यू दे रखी है, आपको k की वैल्यू दे रखी है, आपको a की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ पुट करना है और मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक साइज 5, पुश a, फिर आपने पॉप किया, फिर पुश किया, फिर पुश किया, मतलब तो जिस तरीके से चीजें बोली है ना, आपको सिर्फ बताना है कि भाई क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो देख लो क्या हो रहा है,
अब देखो आपने क्या किया, पुश किया कर, ठीक है भाई मैंने पुश कर दिया, फिर आपने पॉप किया, ठीक है मैंने पॉप कर दिया, फिर आपने पुश किया, ठीक है भाई पुश कर दिया, फिर आपने पुश किया सी, ठीक है फिर आपने पॉप किया, ठीक है सी वाला आपका पॉप हो गया, फिर आपने पुश किया डी, तो ये डी आपका पुश हो गया, ठीक है फिर आपने पॉप किया, ठीक है ये मैंने पॉप कर दिया, फिर आपका पॉप आया, फिर आपका क्या आया पॉप आया, ठीक है पॉप आया तो मैंने बी को भी बाहर निकाल दिया, फिर आया आपका पुश ई, तो आपने पुश ई कर दिया, ठीक है। तो साइज टैग का क्या था, पांच पांच है, लेकिन अभी एक ही वैल्यू है, बाकी तो सारे बाहर आ गए हैं, अभी एक ही वैल्यू है ना स्टैक में ई वाली, बाकी ए सी डी बी तो सारे बाहर आ गए पुश पॉप करते करते। अब ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, अंडरफ्लो कंडीशन बोल रहा है कि क्या अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो का मतलब ये होता है कि स्टैक आपका खाली है, स्टैक आपका खाली है और आप कुछ पॉप करवाना चाहते हैं, मतलब स्टैक खाली होने के बाद आपका एक पॉप ऑपरेशन आ जाए, तो वो होती है अंडरफ्लो की कंडीशन, मतलब कि भाई आपका स्टैक में कोई भी चीज नहीं है और हम उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, जब है ही नहीं तो निकालोगे कहाँ से, तो ये होती है अंडरफ्लो की कंडीशन, ठीक है। स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म स्मूथली, भाई जितने भी आपने पुश पॉप किए सारे ऑपरेशन परफॉर्म जो आराम से चले, कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई साइज से ज्यादा जा रहे हैं या साइज से कम जा रहे, तो आराम से सारे आपके स्टैक के ऑपरेशन चल रहे थे, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओवरफ्लो ऑपरेशन और अक्सर बता देती हूँ, ओवरफ्लो आपका वो होता है कि भाई आपने वैल्यूज डाली और सपोज टोटल साइज था पांच, जैसे ए डल गया, बी डल गया, सी डल गया, डी डल गया और ई डल गया, ये सारी वैल्यू डलने के बाद आप चाहते हो एफ और इसके अंदर इंसर्ट करना, जब इसका साइज ही नहीं है, जैसे आपके पास 5 किलो का पीपा है और आपने उसमें 5 केजी चीनी डाल दी और आप उसमें 1 किलो और चीनी डालना चाहते हो, तो क्या वो आएगी, नहीं तो वो सारी फ्लोर पे चली जाएगी, है ना, वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। सेम आपका स्टैक का साइज 5 है तो पांच ही आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा अगर आप डालोगे तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ना अंडरफ्लो हुआ ना ओवरफ्लो हुआ, आपके ऑपरेशन आराम से चल रहे थे, आराम से हम काम कर रहे थे, आराम से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन थोड़े से मतलब ऐसे नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना चीजें, अगर आपने पढ़ा किया तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द बाइनरी सर्च ट्री, और यहाँ पे बोला है वी रिमूव द रूट नोड, अगर हम रूट नोड को रिमूव कर दें यानी कि 24 को मैं रिमूव कर दूं, तो विच द नोड फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री विल बी न्यू रूट, तो मतलब जो नई रूट है वो क्या बनेगी, नई रूट आपकी क्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली 24 वाली आप डिलीट कर दोगे तो आपकी जो नई रूट है वो क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पे 16, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन स्ट्रिंग दिस बी फुली पैरेंथाइज्ड टू फिल्ड इन फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, अभी आपको स्ट्रिंग बतानी है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो यहाँ पे आपको बताना है फुली पैरेंथाइज टू यील्ड एन इन फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होगा, 1/n इंटू 2n-1 एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो कि आपको लगाना है, ठीक है। तो एन जो है हमारा, हाँ जी, हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, 1 × n इंटू 2n-1 C(n-1), ठीक है, कैटलॉग नंबर का है। तो एन यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ ऑपरेंड लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1/5 इंटू 2n-1 क्या हो जाएगा, 4 C(n-1) दैट इज 4, ठीक है। तो 1/5 इंटू 8C4, तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 14। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 14 आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो करके देख लेना, कैटरोल नंबर आप सभी को आता होगा सॉल्व करना। 38 क्वेश्चन देखो, सपोज यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री विद एन नोड्स, ठीक है। सपोज जो है आपके पास क्या है, बाइनरी ट्री विद एन नोड्स हैं, सच दैट इच नोड हैज एग्जैक्टली आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है। हर एक जो है या तो 0 चिल्ड्रन होंगी या फिर 2 होंगी। मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री, मैक्सिमम हाइट क्या होगी भाई, n/2-1, n/2+1, n, हाँ जी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा भाई, n-1/2 या n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी n-1/2, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसमें से कौन सी ऐसी है जो आपकी स्टैक की एप्लीकेशन नहीं है। रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करना, बिल्कुल हम स्टैक से रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवोल्यूएट करना, बिल्कुल करवाते हैं। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग आपकी हम कहाँ पे करते हैं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, रिवर्स स्ट्रिंग। तो
यहाँ पे ये वाला जो है ये हम जो है स्टैक से, स्टैक की एप्लीकेशन नहीं है, बाकी सारी आपकी स्टैक की एप्लीकेशन क्यू की एप्लीकेशन आ रही है। सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट अ बाइनरी मैक्स हीप, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका मैक्स हीप को रिप्रेजेंट करता है। हर किसी को बना के देख लो, अगर बन रहा है तो समझ लेना। मैक्स हीप आपका क्या कहते हैं कि रूट नोड आपकी क्या होगी, चाइल्ड से बड़ी होगी। तो 13, 17, 16, 11, 9, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक स्मूथ चल रहा था कि ये इसकी रूट नोड है, ये इससे छोटे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो 15 है वो इससे क्या है, बड़ा है, जो कि इसके नीचे है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन देख लो, आपको सिर्फ बना के देखना है, आपको बना के ही समझ में आ जाएगा कि मैक्सिप है या नहीं। अब इसको बना के देखो, 26, 15 एंड 14, ठीक है। फिर लेफ्ट वाला पूरा करेंगे, फिर आपका 17, 11, 9 और 13, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखो 17 जो है वो 15 के जो है चाइल्ड बना हुआ है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा क्या है कि भाई रूट, क्योंकि मैक्स की बात कर रहे हैं तो रूट भैया सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 17 जो है वो इससे बड़ा है, जो कि इसके नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो सी ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 26, 15, 17, ठीक है, फिर है आपका 14, 11, 9 और 13। अब यहाँ पे देखो, क्या रूट नोड जो है चाइल्ड नोड से बड़ी है। अब ये रूट नोड थी, इसकी चाइल्ड क्या है, 15 और 17, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, ठीक है। अब ये रूट है, इसकी चाइल्ड ये है, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। ये रूट नोड है, इसकी चाइल्ड ये है, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो यानी कि ये वाली जो है मैक्सिप आपकी सही है। डी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लो, 26, 15, 13, 14, 11, 9 और 17, यहाँ पे क्या आ गया, 17 बड़ा आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। हाँ जी, देख लो, सपोज दैट वी हैव नंबर 1 to 100, आपके पास क्या है, 1 से लेके 1000 तक नंबर है बाइनरी सर्च ट्री, एंड वी वांट टू सर्च फॉर द नंबर 364 नंबर को आप सर्च करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड नॉट बी सीक्वेंस ऑफ नोड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपको बताना है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे जो है आपको सेम क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे 4 सीक्वेंस दे रखे, कौन सा इसमें से सही नहीं है, बस ये बताना है आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ट्री बना के देखना है। कैसे बना के देखोगे, अब यहाँ पे देखो 925 है, 925 को अगर आप रूट नोड बना लेते हो, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखो 925 से कोई बड़ा है नहीं, 925 से सारे छोटे हैं। तो यानी कि 925 के बाद ये सारा का सारा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वाले में, ये जो है आपका लेफ्ट स्क्यू ट्री बनेगा, ठीक है। अब ये देखो कि क्या ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही आ रहा है, क्या ये जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपने 925 किया, उसके बाद आपने 221 किया, 221 के बाद आपका क्या आ गया, 912, यानी कि ये इसके राइट वाले में चला जाएगा, क्योंकि 221 से जो है 912 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब देखो 245 आ गया, 245 आ गया तो इसके कहाँ पे गया, लेफ्ट में, ठीक है। फिर 899 आया, वो इसके राइट में चला गया, क्योंकि ये 899 912 से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ इससे देखा तो ये इससे बड़ा है, तो इसके राइट में चला गया। फिर 259 आया, इसके लेफ्ट में आया। फिर 360 आया, इसके राइट में आ गया। फिर 364, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा ट्री बन जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे एक होमवर्क है जो आपको करना है, भाई ये ट्री बना के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजनी है फोटो, ठीक है। मैं भी चेक करूँ कि आप कैसे ट्री बना रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको इन सभी की ट्री की फोटो बना के भेजनी है, और फोटो भेजने के बाद आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे गलत है, ठीक है। इतना ट्री कर चुके हो, अब इतना तो बता दोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री विद 6 नोड, 6 नोड से जो है कितनी डिफरेंट बाइनरी ट्री बन सकती है। तो फॉर्मूला लगा दो जो अभी तक हम लगाते आए हैं। हाँ जी, क्या लग जाएगा, 2n factorial upon 3 of n, ये हो जाएगा हमारा। तो 2n, n आपका क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी कि 12 factorial upon 6 factorial into 7 factorial, तो 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial, ठीक है। इस 6 को खोल दो, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 7, तो 7 से 7 ये कैंसिल। अब देखो 6 और 2 यानी कि 12 कैंसिल, 5 से जो है आपका 5 2 10,
है, 3 से 9, 4 से 4 दुनी 8, ठीक है, सारे कैंसिल हो गए। अब देखो क्या बचा, 2 तिया 6 और 6 दुनी 12, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12 और 1 ये 11, है ना, यही बचा है। 12, 11 into 12 तो क्या हो जाएगा, 12, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 1, तो 2 3 1 3 2, तो 1 3 2 जो है वो आपकी टोटल बाइनरी ट्री यहाँ पे 6 नोड से बन जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि गिवन द प्रीफिक्स दे रखा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स, आपको वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको करके देने हैं मुझे, तो यहाँ पे जो है ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है जो आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी, इसका सॉल्यूशन भी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने की नीड है, तो इसका सॉल्यूशन भी आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे। ये आपकी स्टेटमेंट है जो कि आपको प्रीफिक्स दे रखा है, और आपको इसकी बतानी है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है भाई। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, S1 में दे रखा है, क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू स्टैक्स, क्या क्यू को हम दो स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू है। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू क्यू, क्या स्टैक को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बोथ S1 एंड S2 करें। कंसीडर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, सेल्फ लूप आर नॉट अलाउड, द वर्टिसेस ऑफ जी आई जे, आई इज इक्वल टू सॉरी वन आई इज इक्वल टू 12, जे इज इक्वल टू 12, ठीक है, देयर इज एन एच ए बी सी डी दिस। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन मैं अच्छे से बता देती हूँ एक बार आपको। ठीक है, तो ये है आपका आई इज लेस देन इक्वल सॉरी 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन इक्वल टू 12, ये आपका पूरा क्वेश्चन है भाई। आपको बताना है यहाँ से नंबर ऑफ एजेस बतानी है इसके अंदर, कि नंबर ऑफ एजेस जो है वो आपकी इसके अंदर कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ एजेस आपके हो जाएंगे यहाँ पे 506। प्रायोरिटी क्यू इज इम्प्लीमेंटेड इन द मैक्स हीप इनिशियली इन 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ हीप इज फॉलोज दिस, और यहाँ पे बताना है आपको। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे आपको ये फॉलो ऑर्डर दे रखा है, आपको इसके अंदर जो है 2 नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है, 1 और 7 को। ठीक है, इंसर्टेड इन द हीप इन द ऑर्डर, द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ हीप आफ्टर इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट, आपको बताना है कि क्या ऑर्डर बनेगा इंसर्शन के बाद। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका बना लो भाई, 20, 18, 15, फिर आपका 13 और 12। ठीक है, 2 नए एलिमेंट, 1 और 7 इंसर्ट करने, 1 यहाँ कर दो, 7 यहाँ कर दो, बस हो गया, बाकी तो कुछ नहीं करना। तो आपका हो जाएगा 20, 18, 15, 13, 12, 1 और 7, बस। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है भाई, प्रायोरिटी टू मैक्स इनिशियली इज 5 एलिमेंट, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस, एंड 20, 18, 15, 13, 2 नए एलिमेंट, 1 और 7 को हमने इंसर्ट किया हीप में इन ऑर्डर, द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ हीप आफ्टर इंसर्शन। इंसर्ट तो भाई आपके 12 के अंदर ही तो इंसर्ट होंगे, ये 18, 15, 15 के नीचे ही तो होंगे, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे देखो हम 1 और 7 नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 17 है, आई थिंक ये 17 है हमारा और ये हमारा 10 है। अब हम करके देखते हैं, अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बना के देखो, 20, 18, 15, 13, 12, अब देखो 10 और 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 और 7 था तो नॉर्मल था, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट जो है आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से 10 और 17 ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 1 और 7 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो 17 है वो हमारा 15 से क्या है, ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, तो हमें हिपीफाई करने की जरूरत है, तो 17 आपका रूट में आ जाएगा, 15 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लो 15 सॉरी 20 18 15
सत्रह, तेरह, बारह, दस और 15, ये हो गया। अब इसको करके देखो तो अब हमारा जो नया बनेगा वो बनेगा 20, 18, 17, 13, 12, 10 और 15 के लास्ट में 15 आएगा और यहाँ पे 17 आएगा। बाकी सारी चीजें सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 20, 18, 17, लेकिन 15 हमारा लास्ट में आ रहा था तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। 20, 18, 17, 15 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। 12 और 13, नहीं 13 और 12 है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये 10 भी हमारा यहाँ आ रहा है, हमारा 10 लास्ट में आ रहा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 20, 18, 17, 13, 12, 10 और 15, यही हमारा बना था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। वैलिड हीप आपको बताना है कौन सा आपका वैलिड हीप है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये मैक्स हीप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्सिम में या तो रूट ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो 16 है, 16 है, 16 है, 16 है, 16 है, 16 है, 16, 16, 16, 16, ठीक है। सारे ही 16 है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें लेफ्ट और राइट का ऐसा कुछ फंडा है ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई और नई वैल्यू है ही नहीं। बी ऑप्शन देख लो भाई, 16 आया, 14 आया, 10 आया, ठीक है भाई, रूट नोड आपकी बड़ी हो गई। फिर यहाँ पे देखो 8 आया, 7 आया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर ये 2 है, ये 4, ये भी रूट नोड से छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 आया तो बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब ये देख लो, 16 आया, 14 आया, 10 आया, ठीक है भाई, 8 आया, 2 आया, 4 आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सारा सही है, बस यहाँ पे इसने क्या गड़बड़ कर दी कि भाई यहाँ पे आपका 7 आना चाहिए था, यहाँ पे आपका 1 आना चाहिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ठीक है। क्योंकि ये मैक्स हीप है तो ऑब्वियसली आपका जो रूट नोड है वो बड़ा होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, फर्स्ट भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देख लो, 16 है, 14 है, 3 है, 4 है, 1 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है राइट वाले में भी, कि 10 जो है वो आपका, 10 और 9 जो है वो 3 से बड़े हैं, ठीक है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका। आगे देखो, हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक आपके पास एक सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम आपको बताना है कि इंसर्ट करने में कितना टाइम लगा, डिलीट में कितना लगा, किसी भी चीज को अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कितना टाइम लग रहा है, मिनिमम को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखो, इंसर्शन करने में ऑर्डर 1 बिल्कुल भी नहीं, डिलीशन में ऑर्डर 1 बिल्कुल भी नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड, ऑब्वियसली या तो आगे होगा या पीछे होगा क्योंकि सॉर्टेड है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम में तो ऑर्डर 1 लग रहा है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन में हमारा ऑर्डर 1 नहीं लगेगा, इंसर्शन और डिलीशन में आपका ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है, कि इंसर्शन और डिलीशन में आपका ऑर्डर एन लग रहा है और मैक्सिमम और मीन एलिमेंट को फाइंड आउट करने में ऑर्डर 1 टाइम लग रहा है, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, एच इज चूजन यूनिवर्सल कलेक्शन ऑफ हैश फंक्शन इज यूज टू हैश एन की ऑफ अ टेबल साइज एम, n इज इक्वल टू m, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोलिजन, आपको जो है कोलिजन बताना है, पर्टिकुलर की x इज लेस, अगर आपकी x की जो है वो लेस देन है तो पर्टिकुलर जो आपका कोलिजन है वो क्या होगा, ठीक है। तो लेस देन क्या होगा, जो कोलिजन है वो x से क्या होगा, लेस देन 1 होगा, x से क्या होगा, लेस देन 1, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, 7 एलिमेंट ए बी सी डी ये पुश्ड इनटू स्टैक, स्टैक में आपने पुश कर दिया रिवर्स ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम जी द स्टैक इज पॉप्ड 5 टाइम्स एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू क्यू, टू एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम क्यू एंड पुश्ड बैक इनटू द स्टैक, नाउ वन एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, द पॉप आइटम आपको बताना है क्या होगा। कर लोगे भाई, कर लोगे, आपके पास 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट आपने क्या किया, 7 एलिमेंट को आपने पुश किया स्टैक के अंदर रिवर्स ऑर्डर में निकाल दिया, यानी कि जी एफ ई डी सी, जैसे बोला बस वैसे करना है, आपने इस तरीके से निकाल दिया। फिर बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम जी, जी से आपने स्टार्ट किया एंड स्टैक इज पॉप्ड 5 टाइम्स एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन क्यू, फिर आपने क्या किया भाई, इंसर्ट कर दिया क्यू के अंदर और फिर आप जो है क्यू में से आपने दो आइटम को जो है एलिमिनेट करवाया, एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम और आपने वापस से स्टार्ट में पुट कर दिया। तो ये भी आपका एक होमवर्क है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं और इनको थोड़ा सा माइंड के साथ करने की कोशिश करोगे ना, आपको आपको डेफिनेटली चीजें आएंगी। और प्लीज जो है, अगर आप फोटो भेज दोगे तो वो भी और बड़ी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें से आपको बताना है क्या होगा।
अब यहाँ पे देखो, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। कंस्ट्रक्टर कैन बी परफॉर्म एफिशिएंटली यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। बी ऑप्शन बोल रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैन नॉट बी यूज्ड कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ। क्या बी ऑप्शन सही है? ब्रेथ फर्स्ट हुआ या फिर डेप्थ हुआ, दोनों के दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ को जो है सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे फॉल्स होगा। गिवन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वॉक ऑफ बाइनरी ट्री, ट्री कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्ट यूनिकली। बिल्कुल सही है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हम यूनिकली ट्री जनरेट नहीं कर सकते। डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी यूज टू फाइंड कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक है। कनेक्टेड कंपोनेंट, अब यहाँ पे देखो बाकी सारे ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो ये भी ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे नोट लगा ले तो फॉल्स हो गया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज बेस्ट सुइटेड टू असेस एलिमेंट ऑफ एन आरे ऑफ कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो बेस्ट आपको बताना है कि कौन सा जो है आप यूज करोगे, जिसके लिए आप यूज करोगे एड्रेसिंग मोड। कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करोगे? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम एरे का यूज करते हैं, बेस जो आपका इंडेक्स रहता है इंडेक्स यूज। कंसीडर द फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री है, एन इंटरनल नोड्स है, बहुत बढ़िया। एन इंटरनल नोड कितनी? एन, एंड इंटरनल पाथ लेंथ इज आई एंड एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज। ठीक है, इंटरनल पाथ लेंथ ऑफ द फुल बाइनरी ट्री इज सम टेकन ओवर ऑल नोड्स द ट्री ऑफ डेप्थ इज नोन। सिमिलरली द एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज द सम टेकन ओवर ऑल लीव्स ऑफ द ट्री। मतलब जो एक्सटर्नल पाथ की जो लेंथ है, जितनी भी आपकी लीव्स नोड है उनके बराबर है। ठीक है, ऑल लीव्स टू ऑफ ट्री। और जो इंटरनल है वो आपका क्या है भाई? इंटरनल जो है वो आपका फुल बाइनरी ट्री सम टेकन ओवर ऑल नोड्स ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि आपको बताना है ऑफ द डेप्थ ऑफ ईच लीफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ फुल बाइनरी। देखो ट्री में आपको इंटरनल एक्सटर्नल नोड ये तो सारी पता है ना। देखो ये इंटरनल नोड हो गई, आपका ये एक्स्ट्रा, ये आपका जो है लीफ वाली हो गई। तो हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो इतना एन इंटरनल नोड है ये याद रखना। आई जो है आपका इंटरनल पाथ है, एक्स जो है वो ई जो है वो आपका एक्सटर्नल पाथ है। अगर आपको ये तीनों चीजें याद है, आप देखो एग्जाम्पल के लिए जो है मैंने क्या लिया है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड एन इज इक्वल टू 3। इंटरनल नोड मतलब ये जो अंदर वाली लीफ नोड ना होके बाकी जो नोड होती है वो आपकी इंटरनल नोड कहलाती है। तो इंटरनल नोड मैंने यहाँ पे 3 ले ली। ठीक है, 3 ले ली। उसके बाद देखो फुल बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री है तो आपको ये पता होगा कि ये है तो इसके दो दो तो नोड होंगे, दो दो नोड होंगे क्योंकि फुल बाइनरी ट्री है। तो इंटरनल नोड आपकी कितनी हो गई? 1, 2, 3। इंटरनल पाथ लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ए का पाथ हो जाएगा 0, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 1। तो इंटरनल पाथ क्या हो जाएगा? 2। अगर ये आपका आई है, ठीक है। अब एक्सटर्नल पाथ की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल में आपका डी ई एफ और जी, इन चार का निकालेंगे। डी का कितना है? 2। ई का कितना है? 2। एफ का कितना है? 2। और जी का कितना है? 2। सबका 2-2 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। 2, 2, 2, 4, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है कि क्या बताना है क्वेश्चन में हमें? आई ई और हमने एन ले लिया। ठीक है, पता चल गया हमें क्या क्या है। तो फुल बाइनरी ट्री इन सम टेकन ओवर ऑल नोड्स ऑफ द ट्री डेप्थ ऑफ द, हमें बताना है फुल जो है आपको डेप्थ ऑफ ईच लीफ, आपको लीफ बतानी है कि क्या होगी। तो देखो फॉर्मूले में पुट करो, ए आपका क्या आया था? एक्सटर्नल नोड आपकी क्या आई थी? आई। आई आपका क्या आया था? 2। इंटरनल जो इंटरनल पाथ था वो क्या आया था? 2 आया था। 2 × टोटल मेरे पास 8 आ रही थी ना, और एन हमने इंटरनल नोड कितनी ली थी? 3 ली थी। तो 3 2 प्लस में 6 कितना हो गया? 8। तो यही वाला फॉर्मूला सही बैठ रहा है, यही वाला फॉर्मूला सही बैठ रहा है ना जो हमने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, सपोज इस तरीके से भी ले सकते हो आप। ज्यादा एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल नोड कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हो गई? 7। तो हमने जो है n ले लिया 7। ठीक है, अब हमारा i इंटरनल पाथ क्या हो जाएगा? इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2। तो 8 और 2, 10। i क्या हो गया हमारा? 10। ठीक है, अब एक्सटर्नल पाथ क्या हो जाएगा? इसके लिए 3, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 12, 15, 18, 21
और 24, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो, जहां पे आपको 24 मिल जाए बस वही, आपको n पता है 7 है, i पता है 10 है, e पता है, बस आपको पुट करना है। सेम फॉर्मूले में दोबारा पुट करके देख लेते हो, 24 प्लस में i आपका 10 है और 7 दूनी मतलब 2 × 7, ठीक है। तो 10 प्लस में 14 दैट इज 24, ठीक है। तो इस तरीके से ले सकते हो, बाकी किसी और में रखोगे किसी में भी आपका आंसर नहीं आएगा, बस आपको नॉर्मल जो है निकाल के और आपको जो है फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। यहाँ पे देखो हैश फंक्शन आपको की मोड 7 दे रखा है, लीनियर प्रॉबिंग जो है यूज्ड, इंसर्ट की दिस, और आपको बताना है इंडेक्स 0 to 6 है, तो आपको लोकेशन बतानी है कि 18 की क्या लोकेशन होगी। तो बना लो भाई 0 से लेके 6 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 44 आया, 7 को 44 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 7 × 6 = 42, तो यानी कि 2 बचेगा, तो यानी कि 44 यहाँ आ गया। फिर 45 को डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 45 आपका यहाँ आ गया। 79 को डिवाइड करो तो 7 × 7 और 7 × 7 यानी कि 2 बचा, 2 बचा तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा 70, ठीक है। फिर 55 को डिवाइड करो तो 7 × 7 = 49, 49 × 15 = 6 यानी कि 55 आ गया यहाँ। फिर आया 91, 91 को डिवाइड करो 7 × 7 और 7 × 2 = 14, सॉरी 7 × 21, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0 बचा, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर आया 18, 18 को डिवाइड करो 7 × 2 = 14 बचा 4, है ना। तो 4 पे तो ऑलरेडी है, तो 18 आ जाएगा आपका 5 लोकेशन पे, 18 कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे, तो आंसर देखो 5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और 63 की बात करूँ तो 63 जो है वो 7 × 9 = 63 और 0 आएगा, 0 पे तो ऑलरेडी है, तो 1 पे हम 63, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें आएंगी। कंसीडर द एरे ए, आपको एरे दे रखा है 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8, 7, आफ्टर बिल्डिंग हीप फ्रॉम एरे ए द डेप्थ ऑफ हीप एंड राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हीप एंड रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि भैया जब आप इसका एरे बना दोगे ना, तो आपको बताना है कि लेफ्ट में कितनी चाइल्ड आएंगी और राइट में कितनी आएंगी, ये बतानी है, है ना। तो देख लो भाई, कंसीडर एन एरे और आफ्टर बिल्डिंग हिप फ्रॉम द एरे ए द डेप्थ ऑफ हिप एंड राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हिप, राइट चाइल्ड आपको बतानी है मैक्स हिप की, हाँ जी। तो मैक्स हिप बताना है, तो मैक्स हिप में देखो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो जिसको आप रूट बना सकते हो। सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 16, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 16 है, 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको जो है छोटे से बड़े में लिख लो सभी को, तो 8 के बाद आ जाएगा 7 आया, ठीक है। अब देखो इसका हिप बना दो, 16 आया, फिर 14 आया, फिर आपका 10 आया, फिर आया आपका 9, फिर आया आपका 8, फिर आया आपका 7, फिर आया 4, फिर आया 3, फिर आया 2, फिर आया 1, ठीक है। तो हाइट देखो, हाइट पूछा है सबसे पहले आपको, पूछा है हाइट, डेप्थ 0, 1, 2, 3, तो डेप्थ क्या हुई 3, ठीक है। और राइट में जो आपकी क्या बोले, राइट साइड ऑफ मैक्स हिप क्या है भाई आपका 10, ठीक है। रूट बताना है ना, रूट तो आपका क्या है 10, तो भाई 3 तो इसकी डेप्थ है और 10 ये है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लेफ्ट हीप में कितने हैं और राइट में कितने, तो लेफ्ट में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और राइट में कितने हैं 2 और 4, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन है, कितने भी तरीके से पूछा जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट है कंसीडर अ हैश टेबल साइज 7, सात जो है साइज क्या है 7 है, बट स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, हैश फंक्शन 7x + 3 mod 4। जून 2018 में क्वेश्चन आया था, अज्यूमिंग द हैश टेबल इनिशियली जो आपकी हैश टेबल है वो एम्प्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट ऑफ वेन सीक्वेंस ऑफ दिस,
आपको जो है सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है आप 1 फुट करो यहाँ पे इस वाले में, और मोड 4 कर दो। एक्स की वैल्यू आपकी ये है सारी, 1 3 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुट कर देती हूँ एक बार, सेवन एक्स प्लस में 3 मोड ऑफ 10, और 1 3 8 और 10 यही है। तो 1 मैंने फुट किया तो क्या आ गया, 7 और 1 10, ठीक है। तो 1 जो है 0 से लेके इस तरीके से 9 वैल्यूज हैं। क्या था वही क्वेश्चन एक बार फिर से, 7x मोड 4 है भाई, 4 है 4, ठीक है। और टेबल में कितनी है, कंसीडर हैश टेबल साइज 7, साइज कितना है 7, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। ये है, तो सबसे पहले मैंने 1 फुट किया, 1 फुट किया तो 7 x 1 प्लस में 3 मोड ऑफ 4, तो 10 mod of 4, तो 4 2 8 बचा 2, यानी कि 1 आ जाएगा 2 वाली प्लेस पे, ठीक है। फिर 3 पुट करेंगे तो 7 या 21, 21 और 3 24, 4 6 24, यानी कि 3 आ जाएगा आपका 0th पे, ठीक है। फिर 8 देखो, 8 7 56, 56 और प्लस में 3 दैट इज 59, 59 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, और 4 2 16 बच गए, 16 बचे 3, तो यानी कि 3 नंबर पे आएगा आपका 8, ठीक है। फिर आया 10, 10 आया तो 70 और 3 73, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 बच गए 3, और 4 7 28, 4 8 32, 1 पे आएगा आपका 1 पे आएगा आपका 10, 3 10 1 8, 3 10 1 और 8 ये बनेगा भाई, ये बनेगा 3 10 1 8 जो भी है, 3 10 1 8, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है भाई। बाकी आपके तीनों स्लॉट पीछे वाले खाली हैं, आगे के चारों स्लॉट आपके भर गए, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, 5 array trees इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन, 5 array tree है और हर एक के जो है एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ लेफ्ट नोड इन सच अ ट्री विद 8 इंटरनल नोड, 8 इंटरनल नोड है तो लेफ्ट बताना है आपको, हाँ जी। तो 5 इंटरनल नोड है और 8 इंटरनल नोड है, तो डायरेक्ट जो है आपका ये फॉर्मूला है भाई कंप्लीट एनए ट्री का, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो आपको जो है लेफ्ट नोड बतानी, तो एल लेफ्ट एल से हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, इनटू में आई प्लस में 1, ठीक है। तो जो यहाँ पे एल है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है, और आपका आई जो है वो आपका इंटरनल नोड है, ठीक है। एन की वैल्यू आपकी क्या है, 5 दे रखी है इंटरनल नोड, तो 5 माइनस 1 इंटू में आई, आई आपका कितना दे रखा है इंटरनल नोड, दे रखी 8 प्लस में 1, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 8 प्लस में 1, 4 8 32 और 1 33, तो आपकी जो लेफ्ट जो नोड्स आ जाएंगी वो आ जाएंगे आपके क्या आ जाएंगे भाई, 33, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। फाइंडिंग सर्च ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, सच ट्री विद 19 लीव, मतलब क्या है कि भाई 19 लीव्स हैं तो उसमें आपको बताना है कि टोटल नोड कितनी, टोटल नोड आपको बतानी है कि एग्जैक्टली जो है उसके अंदर कितनी है, बाइनरी सर्च ट्री है। एवरी नॉन लीफ नोड हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट और राइट सब ट्री इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। देखो आपकी जो लीव्स नोड है वो 19 है भाई, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, स्ट्रिक्टली भाई ये 0 होंगी या 2 होंगी, है ना। तो 4 2 6 2 8 और 4 12, 12 और 2 16 और 1 17, 19 लीव्स नोड बना दो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नहीं यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो लीव नोड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,
ये बनेगा 18 और एक ये बनेगी 19। और देखो 1 2 3 4 5 छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्योंकि स्टिकली बाइंडेड ठीक है। ठीक है तो ये अब इंटरनल नोड देख लो कितनी हो गई, 19 लीफ नोड है। इंटरनल नोड देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आई इंटरनल नोड है 18 और लीफ नोड तो दे रखे हैं 19। तो एग्जैक्टली नोड कितनी, 9 8 17, एक और एक दो और एक तीन, तो एग्जैक्टली जो नोड है वो क्या है 37। ठीक है तो आपका आंसर देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट हैव मोर देन 37 नोट्स, भी 37 नोट से ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है लेकिन एग्जैक्टली की बात करें तो भाई 37 नोट से एक्स्ट्रा भी नहीं होंगी, उससे कम भी नहीं होंगी। ठीक है इसमें बोला नॉट मोर देन, क्या कम हो सकती है? ठीक है लेकिन एग्जैक्टली 37 नोट है। अगर आप 19 लीफ नोट की बात कर रहे हो तो उसके अंदर 18 इंटरनल नोड है और एग्जैक्टली जो है उसके अंदर कितनी नोड होंगी 37 होंगी। इसका फॉर्मूला भी है कि भाई इंटरनल नोड आपकी क्या हो जाती है 2n-1 और रिलीज हो जाती है 2n+1 इस तरीके से। ठीक है करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा वेयर कैर जो है वो 20 दे रखा है, एट्रीब्यूट ऑफ दिस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ जी तो यहाँ पे आप देखो आपके पास एक एट्रीब्यूट दे रखा है जिसमें ए डेटा टाइप है जिसमें वायर कर जो है वो आपको 20 दे रखा है एज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है एंड सेकेंड एट्रीब्यूट है बी जिसमें डेटा टाइप कैरेक्टर है आपका 20 और जिसमें आपको वैल्यू लिखनी है ये, तो आपको बताना है कि एट्रीब्यूट ए में कितना स्पेस रहेगा और बी में कितना स्पेस रहेगा। तो आपको अगर ध्यान हो तो ये जो वायर है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल लेंथ का, कि भाई जितनी वैल्यू आप उतनी ही डाल सकते हो, उस लेवल जो जितनी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे देखो कोई ऐसा वेरिएबल वाला नहीं है, फिक्स्ड वाला है कि भाई 20 है तो 20 साइज का ही आपको लेना पड़ेगा, बाकी जितनी भी वैल्यू है आपको 20 तक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है तो ए जो है वो आपका वेर कैर है, यानी कि ए में जो है आप एक्स डालोगे वाई डालोगे और जेड डालोगे, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है क्योंकि वेरिएबल टाइप का है और ये आपका फिक्स टाइप का है, तो 20 तो आपका होगा ही होगा, चाहे वो आप इसमें एल एम एन ओ पी यही डाले, बाकी आपके सारे 15 के 15 खाली पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्पेस यहाँ पे जो है वो 20 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर टोटल कितने एलिमेंट है, एक्स वाई जेड 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, T3 और 20 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है हाँ जी बाइनरी सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डर। ठीक है आपको बताना है बाइनरी सर्च ट्री है और आपको इंसर्ट करना है एक पर्टिकुलर जो सर्च ट्री में अपन डालते हैं, तो 60 हो गया, फिर 25 आ गया, फिर 72 आ गया राइट में आ जाएगा, फिर 15 आया तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, फिर आपका 30 आया तो इसके राइट में आ जाएगा, फिर 68 आया तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, 101 इसके राइट में आ जाएगा, फिर 13 आया इसके लेफ्ट में, 18 आया तो इसके राइट में। ठीक है फिर 47 आया तो इसके राइट में, और फिर 70 आया तो यहाँ इसके राइट में चला जाएगा, फिर 34 आया, 34 आएगा तो यहाँ पे राइट में जाएगा, यहाँ से इसके लेफ्ट। ठीक है तो ये आपको बताना है लेफ्ट सब ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नोड कितनी हुई 7, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 7 जो है नोड आपकी। इन अ टर्नरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स डिग्री 1 2 एंड 3 इज 4 एंड 3 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ लीफ नोड इन टर्नरी ट्री, लीफ नोड आपको बताने की कितनी होंगी। ठीक है तो नंबर ऑफ लीफ नोड बतानी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 क्वेश्चन और रह गए हैं। कंसीडर द सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, बेस्ट नोन एल्गोरिथम ऑफ डिलीट द नोड, आप पर्टिकुलर किसी नोड को डिलीट कर रहे हो तो नोड द ए एंड पॉइंटर टू दिस नोड इज क्यू फ्रॉम द लिस्ट, आपको बताना है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। ठीक है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ जी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कंसीडर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सिंगल डिजिट ऑपरेंड, आपको टॉप टू एलिमेंट ऑफ स्टैक आफ्टर सेकंड स्टार इवोल्यूटेड, आपको टॉप टू एलिमेंट बताने हैं और आपका जो है सेकंड जो आपका मल्टीप्लाई है उस तक आपको जो है सॉल्व करना है। तो पहले डालो 6 डाल दिया, फिर डाला 2, फिर डाल दिया, फिर डाला 3, यहाँ तक डाल दिया, फिर आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जैसे ही आया ये पॉप हो जाएंगे, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है फिर आया आपका
डिवाइड डिवाइड आया तो सिक्स और सिक्स आपका सिक्स डिवाइड बाई सिक्स तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अब जो आपके पॉप में अब जो आपके स्टैक में वैल्यू बची है वो क्या बची है, वन। ठीक है, फिर आया आपका फोर, ठीक है, फिर आया टू, ठीक है भाई, फिर आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आया तो इन दोनों पॉप हो जाएंगे तो टू इंटू फोर दैट इज एट, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आठ। फिर आया जमा, जमा आया तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करा तो मैंने एक और आठ नौ, तो नाइन हो गया। ठीक है, फिर जो है प्लस के बाद आया आपका सिक्स, फिर आया आपका आठ, फिर आया आपका मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आठ छः अड़तालीस, अब आ गया 48। ठीक है, तो स्टार आपको बताना था सेकंड स्टार मल्टीप्लाई के बाद, बट यहाँ से ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सॉरी भाई, हमने तो पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमें यहाँ तक बताना था, ये जो सेकंड जो मल्टीप्लाई है यहाँ तक, हम थर्ड वाले पे भी चले गए, ध्यान नहीं दिया। तो हमारा क्या आया था, पहले सिक्स आया, फिर हमने इन दोनों को डाला तो इस मल्टीप्लाई हुई तो आपका क्या आ गया, सिक्स आ गया। फिर डिवाइड आया, डिवाइड किया तो ये आपका पूरा वन बन गया। फिर जो है आपका फोर, फोर आया, फिर आपका टू आया, फिर सेकंड मल्टीप्लाई आया फोर, इन दोनों का क्या हो गया, आठ बन गया। ठीक है, तो अब आपके टॉप एलिमेंट हो जाएंगे आठ और वन, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था इसलिए जो हमें ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि इसने क्या बोला था साफ साफ कि भाई आफ्टर सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, बेसिक बेसिक चीज़ें। पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सेम आंसर नहीं था, अगर होता तो ठीक है, होता तो मे भी हम लगा देते। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं लेकिन हमें ध्यान रखनी है। हाँ जी, एलिमेंट दे रखे हैं 42, 25, 30, 40, 22, 35, 26, इंसर्टेड वन बाय वन इन द गिवन ऑर्डर इन टू मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप दे रखा है, रिजल्टेंट बताना है सॉर्टेड इन अरेंजमेंट, कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा। सबसे पहले जो है आपकी 42 मैंने डाला, 42 के बाद आपका 25 आया, फिर आपका 30 आया, फिर आपका 40 आया, ठीक है, फिर आपका 22 आया, फिर आया 35 और फिर आया 26। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भाई ये 40 जो है वो इस रूप से बड़ा है, तो 40 आपका आ जाएगा यहाँ, 40 आ जाएगा यहाँ और 25 आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है कि 35 आ जाएगा आपका यहाँ और आपका जो है 30 आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, बस अब बना दो 42 40, फिर जो है आपका 35, 25, 22, 30 और 26 जो ऑप्शन मैच करे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 42, 40, 35, 42, 40, 35, 25, 22 और 25, 22, यहाँ पे 26 आ गया, 26 नहीं होगा, पहले 30 आएगा फिर 26 आएगा, पहले 30 आएगा फिर 26, 42, 40, 35, 25, 22, 23 और 26, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉर्मल आपको बनाना है और फिर आपको देखना है कि कौन सा रूट से बड़ा है कौन सा छोटा है। आगे देखो, आपको जो है डबल हैशिंग दे रखी है और हैशिंग हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं, तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से ऑलरेडी। मैं आपको जो डे वन डे टू करवाया था हैशिंग, मैंने बहुत डिटेल से अच्छे से करवाया था, फॉर्मूला दे रखा है, के की वैल्यू भी दे रखी है, आप कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ओनली टोपोलॉजिकल शॉर्ट है, ओनली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं बोथ टोपोलॉजिकल, देखो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट भी होते हैं और टोपोलॉजिकल शॉर्ट होता है, तो दोनों ही चीजें होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, कंसीडर अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, द करंट शॉर्टेस्ट फ्रॉम सोर्स एस टू नोड एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, डी वी दे रखा है 29, डी यू दे रखा है 15, डब्ल्यू यू वी इज इक्वल टू 12, व्हाट इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ डी यू बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 27। आगे देखो भाई, व्हाट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्ट एंड एग्जैक्ट मीन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू विच अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, तो एक करके देखना, वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है इंसर्ट इन अनसॉर्टेड एरे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर वन। ठीक है, और आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस थी है, तो यहाँ पे जो आपका वर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑन वन और इसका हो जाएगा एन। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डी ट्री दे दिया आपका, डिस्क ब्लॉक साइज जो है वो आपका कितना होल्ड कर रहा है, 808192 and 32 bytes। हाँ जी, तो आपको ये सारी चीजें दे रखी है, तो यहाँ पे देखो आपको जो है ब्लॉक पॉइंटर आपका क्या दे रखा है, 4 byte का दे रखा है। ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर कितना दे रखा है, 4 byte का दे रखा है। हाँ जी,
रिकॉर्ड पॉइंटर आपका यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर जो है 0 लेंगे।